सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसकेडी ओंकार में। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने वॉलेट से कैश वॉलेट में बैलेंस को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर कैसे करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको अपनी आईडी और पासवर्ड को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड देखेंगे आप, ये पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो आपको ऊपर का जो एरो बना हुआ है वहाँ पे आपको फ्रेंड क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं, आप नीचे आएंगे, नीचे की स्लाइड में, तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड आपको माई वॉलेट शो कर रहा है। तो माई वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। माई वॉलेट पे फ्रेंड क्लिक करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, चार ऑप्शन है। पहला तो वॉलेट समरी, दूसरा कैश वॉलेट, तीसरा अर्निंग वॉलेट, चौथा फर्स्ट परचेज वॉलेट। तो फ्रेंड आपको कैश वॉलेट में बैलेंस चाहिए आईडी लगाने के लिए, आपके यूनिवर्सल बोनस लेवल इनकम जो भी आता है वो आपके अर्निंग वॉलेट में आता है, फिर आप अर्निंग वॉलेट से आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं आईएमपीएस वॉलेट में अगर आपको बैंक में लेना है तो। अगर आपको बैंक में नहीं लेना है फ्रेंड, आपको किसी का आईडी एक्टिवेट करना है, तो उस पैसे को आप आईएमपीएस वॉलेट में बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करें, नहीं तो आप सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र ही कर पाएंगे, उसको आप कैश वॉलेट में बैलेंस नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए फ्रेंड आपको, आप यहाँ पर नीचे देखेंगे अर्निंग वॉलेट शो कर रहा है, तो आपको अर्निंग वॉलेट पर क्लिक करना है। अर्निंग वॉलेट पर आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे वॉलेट हिस्ट्री दे रहा है, आईएमपीएस वॉलेट ट्रांसफ़र दे रहा है, कैश ट्रांसफ़र टू अदर वॉलेट दे रहा है, आईएमपीएस वॉलेट टू कैश वॉलेट दे रहा है फ्रेंड। फ्रेंड जैसे आपको अपना वॉलेट हिस्ट्री चेक करना हो अर्निंग वॉलेट का, तो आप वॉलेट हिस्ट्री में देख सकते हैं कि आप पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने कब कितना पैसा किस वॉलेट में ट्रांसफ़र किया, आपने अर्निंग वॉलेट में लिया या फिर कैश वॉलेट, सॉरी आईएमपीएस वॉलेट में लिया या फिर कैश वॉलेट में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखेंगे आईएमपीएस वॉलेट ट्रांसफ़र है, यदि आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो आपको आईएमपीएस वॉलेट ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बट पैसा आपको चाहिए कैश वॉलेट में क्योंकि आपको आईडी में यूज करना है, आईडी एक्टिवेट करना है अपनी टीम का। तो इसके लिए फ्रेंड आपको आईएमपीएस वॉलेट टू कैश वॉलेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है, अर्निंग वॉलेट बैलेंस 1751 रुपये दिखा रहा है जो इस वॉलेट में अभी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको जितना भी पैसा चाहिए उतना अमाउंट आप डाल सकते हैं। जैसे 699 का एक आईडी है, आपको एक आईडी लगाना है तो 699 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दो लगाना हो तो 1398 कर सकते हैं, आपको जितना करने को, तो आप टोटल अमाउंट कर सकते हैं, बट आप अपने आईडी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ताकि उसमें आपका एक्स्ट्रा पैसा एक भी ना पड़ा रहे। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको अमाउंट में सिंपल सा, जैसे आपको 1700 करना है तो 1700 आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ये ट्रांजेक्शन आईडी है फ्रेंड, और रिक्वेस्ट डेट दे रहा है आज 2/8/2020 को। तो यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड नीचे आपको ऑप्शन देता है सबमिट करने का, उस सबमिट ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो ये पैसा आपका यहाँ से डेबिट होके आपके कैश वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, फिर आप आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड बट यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज़ ट्रांसफ़र विद इन मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि यहाँ फ्रेंड आप पैसा मंडे को टू फ्राइडे ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मंडे टू फ्राइडे ही आपकी इनकम आती है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो आज संडे है तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूं, इसलिए आपको लाइव इसको नहीं दिखा पाऊंगा, बट आपको यही प्रोसेस करना है। नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप बैलेंस कैसे चेक करेंगे आपके कैश वॉलेट में आया नहीं फ्रेंड, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ एरो पे वापस से क्लिक करना है, और एरो पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे यहाँ पे माई वॉलेट में आपको आना है। माई वॉलेट में आने के बाद आपका वॉलेट समरी का ऑप्शन दे रहा है, तो आपको वॉलेट समरी पे क्लिक करना है फ्रेंड। वॉलेट समरी पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका कैश वॉलेट दे रहा है, तो कैश वॉलेट में अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र किए रहेंगे तो यहाँ पे शो करेगा कितना आपका कैश वॉलेट है, और अर्निंग वॉलेट में आपका जो बैलेंस रहेगा अर्निंग वॉलेट में फ्रेंड दिखाएगा, रिचार्ज वॉलेट में आपका रिचार्ज का बैलेंस दिखाएगा, शॉपिंग वॉलेट में आपका शॉपिंग वॉलेट में दिखाएगा, तो और आईएमपीएस वॉलेट में फ्रेंड देखेंगे 1751 रुपये मेरा जो पड़ा हुआ है, और ये बिड वॉलेट है और बिड बिन वॉलेट है। ये फ्रेंड अभी ऑप्शन आया नहीं है कंपनी में, बहुत जल्द आने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आप जो 699 दे के कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं वो फर्स्ट परचेज वॉलेट बैलेंस आपका 699 दिखा रहा है फ्रेंड, और इससे आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड रहा आपका वो कैश वॉलेट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बाकी सारी चीज़ें बता दूंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।